बीटेक का पूरा नाम बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बीटेक है। यह एक प्रोफेशनल अंडरग्रेजुएट इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स है जो स्टूडेंट्स को फील्ड में 4 साल का अध्ययन पूरा करने के बाद प्रदान किया जाता है। इंजीनियरिंग भारत में सबसे लोकप्रिय कोर्सेज में से एक है और ऐसे कई संस्थान हैं जो इच्छुक छात्रों को यह कोर्सेज प्रदान करते हैं। इस प्रतिष्ठित और सबसे लोकप्रिय कोर्स में हर साल लाखों छात्र दाखिला लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन इन इंडिया और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। बीटेक कोर्स भारत में सबसे अधिक मांग वाले कोर्स में से एक है। भारत हर साल 10 लाख से अधिक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट पैदा करता है और भारत में इंजीनियरिंग शिक्षा में लगभग 2500 इंजीनियरिंग कॉलेज और 1300 पॉलिटेक्निक कॉलेज शामिल हैं। प्रवेश के लिए सबसे आम बीटेक प्रवेश परीक्षाएं जेईई मेन और जेईई एडवांस हैं। इन राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं के साथ साथ कई राज्य और निजी स्तर की प्रवेश परीक्षाएं भी हैं जिनमें छात्र प्रोग्राम में प्रवेश के लिए प्रयास कर सकते हैं। बीटेक के लिए बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के साथ 12वीं कक्षा है। हालांकि प्रत्येक प्रवेश परीक्षा और संस्थान में एडिशनल क्राइटेरिया होते हैं। कुछ संस्थान अपने कोर्सेज में प्रवेश योग्यता के आधार पर भी करते हैं, अर्थात स्टूडेंट्स द्वारा उनकी कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर। बीटेक क्यों करें जबकि ये सभी विशेषज्ञताएं छात्रों को विभिन्न करियर में जाने के लिए उज्जवल संभावनाएं प्रदान करती हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग शायद आजकल सबसे अधिक मांग वाले कोर्सेज में से एक है। यह इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IIIT और नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी NIT के साथ साथ कुछ बेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के उच्च कट ऑफ परीक्षा अंकों में भी परिलक्षित होता है। विश्वविद्यालय अपने संबंधित आवेदकों को इस कोर्स के लिए नामांकित करने के लिए आदेश देते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अभी वीडियो को लाइक करें ताकि हमें और मोटिवेशन मिल सके, हमें प्रोत्साहन मिलता है और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लेकर आने के लिए। और आप अगर पहली बार आए हमारे चैनल पर, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बीटेक किसे करना चाहिए? बीटेक डिग्री छात्रों को इंजीनियरिंग में करियर बनाने का अवसर प्रदान करती है। कोर्सेज 4 साल की अवधि के हैं और 8 सेमेस्टर में फैले हुए हैं। आम तौर पर इंजीनियरिंग कोर्सेज 2 प्रकार के होते हैं। इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के बाद 3 वर्षीय लेटरल एंट्री बीटेक 12वीं कक्षा के बाद 4 वर्षीय बीटेक 4 साल का कोर्स छात्रों को अधिक कठोरता प्रदान करता है और कोर्स की गहराई के संबंध में भी अधिक जानकारी प्रदान करता है। बीटेक के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। किसी भी बीटेक कोर्स में प्रवेश के लिए बेसिक एलिजिबिलिटी आवश्यकता है। स्टूडेंट्स को मुख्य विषयों के रूप में फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के साथ किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा की परीक्षा पास होनी चाहिए। उन्हें उपरोक्त विषयों में संयुक्त रूप से न्यूनतम 60% अंक प्राप्त करने होंगे। अधिकांश प्रवेश परीक्षा में छात्र के प्रदर्शन के आधार पर किए जाते हैं। बीटेक कोर्स में प्रवेश का नियमित तरीका 12वीं कक्षा के बाद प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होता है। दूसरे तरीके को लेटरल एंट्री मोड कहा जाता है, जिसमें उम्मीदवार दूसरे वर्ष में बीटेक कोर्स में दाखिला ले सकते हैं। जिन लोगों के पास इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा कोर्स है, वे लेटरल एंट्री स्कीम के तहत बीटेक में दाखिला ले सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि बीटेक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हर संस्थान में अलग अलग होंगे। बीटेक के लिए प्रवेश प्रक्रिया। बीटेक कोर्स के सभी स्टूडेंट्स को किसी भी इंस्टीट्यूट में प्रवेश के लिए समान प्रक्रिया का पालन करना होगा। बीटेक प्रवेश के लिए विभिन्न चरण हैं। सबसे पहले बीटेक कोर्स के एस्पिरेंट्स को किसी संस्थान में प्रवेश के लिए किसी भी प्रवेश परीक्षा में शामिल होना और अर्हता प्राप्त करना होगा।
दोस्तों, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के कोई भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना चाहते हैं, वेरिफिकेशन के काफ़ी सारे प्रोसेस होते हैं, पर जैसा मैं हमेशा अपनी वीडियोस के माध्यम से बोलता हूं कि आरटीआई एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। गवर्नमेंट प्रोसेस के थ्रू आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं, फिर भी आप चाहें तो सीधा यूनिवर्सिटी से ही वेरीफाई करवा सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ अपनी वेबसाइट पर डिटेल डाल के रखती हैं या फिर आरटीआई लगवाएं, इसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं। और अगर कोई भी डॉक्यूमेंट किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने लिए हैं, अब फर्दर डॉक्यूमेंट्स आप निकालना चाहते हैं, माइग्रेशन डिग्री, एलओआर, ट्रांसक्रिप्ट, कुछ भी निकालना चाहते हैं और आप यूनिवर्सिटी से बहुत दूर हैं, आप हेल्पिंग हैंड चाहते हैं, तो हो सकता है इसमें भी हम आपकी कोई मदद कर सकें, कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो आपके यूनिवर्सिटी में भी पेंडिंग है। और दोस्तों, कोई भी आप मदद चाहते हैं वेस्ट प्रोसेस में या फिर डिग्री को वेरीफाई करवाने के लिए, आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जेईई मेन जैसी राष्ट्रीय स्तर की इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाएं एनआईटी, आईआईआईटी, जीएफटीआई और कई अन्य प्राइवेट कॉलेजों द्वारा स्वीकार की जाती हैं। जेईई एडवांस्ड आईआईटी में प्रवेश के लिए आयोजित की जाने वाली प्रवेश परीक्षा है। सभी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाएं हर साल अप्रैल, मई और जून में आयोजित की जाती हैं। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो के लिए।